हूँ सामई, उर्दू अदब के YouTube चैनल से आप सुन रहे हैं पाकिस्तान के मशहूर मारूफ मुसन्निफ और नावल निगार हाशिम नदीम का एक मशहूर नावल परीसाद। एक सिराय की कहावत है कि मेरे महबूब, ऐसे यक बार की जुदाई बहुत तकलीफ दे होगी, तुझे मुझसे बिछड़ना ही है तो धीरे धीरे किस्तों में बिछड़। इस बार का मौसम गर्मा भी कुछ इसी संग दिल महबूब जैसे रूप धारे धीरे धीरे किस्तों में बिछड़ने के जतन कर रहा है। तेज गर्म तपती धूप में कोलतार की लंबी सुनसान सड़क किसी स्याह ग्लेशियर से पिघली हुई झील जैसी चमक रही थी। मेरे पुराने फ्लैट जूतों का तलवा नीचे से कई जगह खुल चुका था, लिहाजा उबलता हुआ कोलतार मेरे पैरों में अंगारे भर रहा था। स्कूल की छुट्टी के बाद घर तक ये रास्ता पुल सिरात मुझे हर रोज ही पार करना होता था। इतनी बार दबे लफ्जों में अम्मा को जता चुका था कि मेरे पैरों के छाले अब शुमार की हद से निकलते जा रहे हैं, मगर नौ बहन भाइयों में से फरियाद का मेरिट निकाला जाता तो मेरी अर्जी का छठा नंबर निकलता था। और अब्बा की तनख्वाह इतनी थी कि वो सिर्फ अम्मा की ही सुन सकते थे, फिर भी हर 15 दिन के बाद घर के राशन की कमी का रोना शुरू हो जाया करता था। रस्ते में गुजरते हुए मुझे हसबे मामूल चंद लम्हों के लिए बाटा जूतों की दुकान के तले सस्ताने का मौका मिला। मैंने हमेशा की तरह मसरत भरे तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर दुकान के शीशे की दीवार पर हाथों का कटोरा बनाकर झांकना शुरू कर दिया। अंदरूने दुकान का नौकर एक मेम साहब को उसकी पसंद के सैंडल पहनाकर जांच करवा रहा था। कितनी प्यारी थी वो, कितनी गोरी सी मेम, दूध से धुली हुई आबशार की जल तरंग की मानिंद निखरी निखरी सी। मगर मेरे ख्यालात का तसलसल जल्द ही टूट जाना था क्योंकि शायद पहले दुकान के मालिक और फिर नौकर ने भी मुझे देख लिया था। नौकर तेजी से दुकान से बाहर आया और मुझे हकारत भरे लहजे में झिड़कने लगा। ओए लड़के, कितनी बार तुझसे कहा है, यहाँ शीशे के पास खड़ा ना हुआ कर, सारा शीशा गंदा कर दिया, चल भाग यहाँ से वरना मार खाएगा आज मुझसे। मैं जल्दी से घबरा कर अपना बस्ता संभालते हुए वहां से आगे बढ़ गया। ये नफरत, ये हकारत, ये रवैया मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। बचपन से होश संभालते ही मुझे हर तरफ से ऐसे ही हकारत अमेज रवैयों का सामना था। और फिर लोगों से कैसा गिला, शिकवा क्यों कर, मेरी सूरत, मेरा हुलिया ऐसे ही रवैये, ऐसी ही हकारत और नफरत का ही था। मैं अपने माँ बाप का छठा बच्चा था। अब्बा एक शरबत की किंग वाली प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते थे। सुबह से शाम तक बोतलों को गत्ते के डब्बों में बंद करके शाम को जब वो घर आते तो इनके गुस्से का कोई मोल नहीं होता था। और अब हम सब कहीं चुप रहकर बाकी वक्त गुजारा करते थे। कलील तनख्वाह, जरूरियात, महंगाई और पुराने ख्यालात और ऊपर से नौ बच्चों की फौज। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि ये जो गरीब माँ बाप होते हैं ये अपनी गुर्बत को बांटने के लिए अपने आंगन बच्चों से भर लेते हैं, या फिर शायद उनका गुर्बत से कोई इंतकाम होता है। वो सर्दियों की एक तवील और कठिन रात थी जब मेरा जन्म हुआ। दाई बताती है कि मेरी पैदाइश के वक्त हस्बे मामूल खुराक की कमी की वजह से अम्मी की सेहत और तबीयत काफी बिगड़ गई थी। तनख्वाह मेरी सूरत में एक कमजोर गहरे सांवले रंग का बच्चा इस दुनिया में पैदा हुआ। मेरे बाकी बहन भाई फिर भी काफी बेहतर और खुली हुई गंदमी रंगत लिए पैदा हुए थे, पर ना जाने कुदरत ने ये सारी स्याही मेरे मुकद्दर में क्यों डाल दी थी। छोटी खाला की अम्मा से हमेशा ही कुछ खिटपिट चलती रहती थी, लिहाजा इन्हें तो जैसे मौका ही मिल गया था। फिर ये तंज के तीर चलाने का झट से बोले, आए हाय बाजी, ये इतना काला कलोटा सा बच्चा किस पर चला गया है, लगता है जैसे अमावस की रात आंगन में उतर आई हो। आसपास खड़ी सभी औरतें जोर से कहका मार कर हंस पड़ी। अम्मा जो पहले ही मेरे रंग की वजह से जली भुनी पड़ी थी, दिल मिला गई और झट से बोली, जैसा भी है तो मेरी औलाद है ना, और भाई मुझे तो तुम्हारी इस भेंगी बेटी से ज्यादा ही प्यारा लगता है। आप जलने की बारी खाला की थी, तड़प कर बोली, हाँ हाँ, बड़ा कोकाफ का शहजादा जना है तुमने।
अम्मा भला कहाँ पीछे रहने वाली थी, पलट कर पूरा हिसाब बराबर किया। हाँ, मेरे लिए तो कौकाफ का शहजादा ही है और मैं ने इसका नाम भी शहजादों जैसा सोच रखा है, परीजाद। हाँ, यही नाम होगा मेरे बच्चे का, परीजाद। सभी औरतें जेरे लब बड़बड़ाई और एक दूसरे को इशारे करती और मायनी खेज मुस्कुराहट लिए कहते बाहर निकल गई। पैकर सुना था ये परीजाद भला क्या नाम हुआ। बस वही दिन था जब मेरी किस्मत में हमेशा के लिए लोगों की नजर में तंज और हकारत लिख दी गई थी। काश उस रोज अम्मा छोटी खाला के तंज के जवाब में खामोश रहती तो शायद मेरी जिंदगी इतनी तल्ख ना होती। मेरा काली घटाओं जैसी रंगत, जिस्म और गैर दिलकश नैन वाले मस्कीन सी सूरत का तारुफ जब परीजात के नाम से करवाया जाता तो अगला सुनने वाला कह के मारने पर मजबूर हो जाता। मुझे याद है जब मुझे पहली जमात में दाखिला करवाया गया तो उस्ताद ने जब बच्चों को खड़े कर कर उनसे नाम पूछे, मेरी बारी आई तो मैंने खड़े होकर मासूमियत से अपना नाम बताया, परीजात। उस्ताद चंद लम्हे हैरत से मेरे पुराने लिबास और हुलियों को देखता रहा और फिर मुझे देख कर जोर से हंस पड़ा। वाओ शहजादे, नाम तो तुम्हारा बड़ा कमाल रखा है माँ बाप ने। उस्ताद की बात पर बाकी बच्चे भी जोर से हंस पड़े। तब मुझे समझ नहीं आया कि आखिर मेरे नाम में ऐसी क्या खामी है जो भी सुनता है मजाक उड़ाता है। फिर धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मसला मेरे नाम का नहीं, मेरी सूरत का है। धीरे धीरे स्कूल में मेरा नाम खुद ब खुद एक मजाक बनता चला गया और फिर स्कूल ही क्या, गली मोहल्ले बाजारों और मैं जहाँ भी मेरे नाम की शोहरत पहुँचती, पहले तो लोग इसको हकारत भरी नजरों से सोचते और फिर मुझ पर नजर पड़ते ही उनकी ये हैरत एक तंजिया मुस्कुराहट में तब्दील हो जाती। मगर मैं उस वक्त एक नासमझ बच्चा और मासूम था। मैं ये नहीं जानता था कि इस दोगली दुनिया में इंसान का मन चाहे जितना भी मैला हो, उसका तन जरूर उजला होना चाहिए, उसमें जरूर खूबसूरती होनी चाहिए। बंदे के दिल में चाहे कितना ही खोट हो, इसके चेहरे और सूरत में कोई खोट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया जाहिर परस्तों का है। रूह के उजलेपन और खूबसूरती को परखने वाली आंखें इन बासीरत लोगों के पास कहाँ। मेरी बदीबी की दास्तान यही खत्म नहीं हुई थी। कुदरत के मजाक मेरे साथ संगीन तर होने लगे जब शायद 2.5 या 3 साल की उम्र से ही मेरे मन में खूबसूरती की चाह को आपस के लोगों में महसूस करना शुरू कर दिया। अम्मा बताती थी कि भरी महफिल में जब कोई मुझे पुकारता था तो मैं दरमियान में बैठी दर्जन भर औरतों को छोड़कर सिर्फ उसी की गोद में जा बैठता जो उस महफिल में सबसे उजाले चेहरे वाली होती थी। खूबसूरती की ये चाह सिर्फ खूबसूरत चेहरों तक ही महदूद नहीं थी, मुझे कुदरत की बनाई हर चीज से बहुत प्यार था। फिर वो चाहे फूल हो, रंग हो, आसमान या बादल या कोई बारिश या बर्फ से सजी कोई नजारा। मुझे याद है मैं स्कूल के रास्ते में पढ़ने वाली तस्वीरों की दुकान के बाहर घंटों खड़ा खूबसूरत नजारों वाली तस्वीर दूर से ही देख देख कर खुश होता रहता था। मगर मुझ जैसे गरीब खानदान में पैदा होने वाले बच्चे के अंदर पलती ये हुसन परस्ती मेरे लिए एक अजाब बनती गई। दुनिया की हर खूबसूरत चीज पर शायद सिर्फ हसीन लोगों का ही हक होता है, बदसूरत लोगों के लिए माशरे की हर तरफ सिर्फ बदसूरती ही होती है। तो मेरे आसपास भी हर लम्हा वही खूबसूरती भटकती रहती थी। छोटा सा कच्चा घर, कचरे से उठी उंगलियां, पुल उड़ाता मोहल्ला और सबसे बढ़कर मेरे लिए लोगों की बदसूरत सोच और नजर। इस पर एक फिरका सितम ये भी हुआ कि 5वीं जमात में जिस दिन स्कूल में बच्चों को टीके लगाने वाली सरकारी टीम आई थी, उस रोज में ना जाने किस वजह से स्कूल नहीं जा पाया। उन दोनों दिनों मुल्क में टिक की बीमारी पूरी तरह फैल रही थी मुल्क में और ठीक एक माह बाद मेरे चेहरे पर अजीब से सुर्ख दाने उभरते देख कर अम्मा ने चिल्ला कर अब्बा से कहा, परीजात के अब्बा ये लड़के का चेहरा तो देखो, ये कैसे दाने हैं। अब्बा भागम भाग मेरे लिए सरकारी अस्पताल टीका लगवाने पहुंच गए मगर तब तक बीमारी अपना काम
कर चुकी थी और चंद हफ्तों बाद ही मेरे चेहरे से जख्म का प्रिंट उतरा तो सारी उम्र के लिए मेरे चेहरे पर ये निशानात छोड़ चुका था। मेरे दिल पर उन दागों से कहीं और ज्यादा गहरे दाग और जख्म उन लोगों की बातों ने लगाए जो जाहिरी मेरी इत्मादारी और अम्मा से हमदर्दी जताने के लिए आए थे, मगर हंसी और मजाक की तह में छुपे तंज के वो तीर चलाए थे कि इस छोटी उम्र में भी मेरा दिल छलनी हो जाता था। कौन कहता कि इंसान ने इस जदीद दौर में मिसाइल बम इजाद करके बताई हुई चीजें बताई हैं, लेकिन ये तो इजाद करके तबाही फैलाते हैं। ना गहरा घाव इंसान की जुबान किसी इंसान के दिल में कर सकती है, उसकी काट और जख्म का मुकाबला भला ये नए दौर के हथियार क्या कर पाएंगे। कभी कभी मैं सोचता था कि एटम बम बनाने वाले साइंसदान को शायद जुबान के जहर का ठीक तरह से अदराक नहीं था, वरना इसे दुनिया बर्बाद करने के लिए इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। बहुत शुक्रिया सामईन, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।